हाँ तो भाई साहब कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आपको हमें हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है मोबाइल में, छोटी से लेकर के बड़ी तरह की। पर एक समस्या जो अधिकतर हम सभी को आती है वो क्या है, आपका मोबाइल उसका पैटर्न भूल गए। अब आपको पैटर्न याद नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, शॉपकीपर के पास जाएंगे, सीधी सी बात है उसे फॉर्मेट करेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी करेगा, है ना, आपके 200-500 रुपये डिले कर देगा। तो कुछ ऐसी ट्रिक जो आप घर बैठे आपके मोबाइल को वापस से रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और आपके सारी जो समस्या है उनको खत्म करके आप वापस अपने मोबाइल को अपने पास रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी एक कुछ खास ट्रिक्स हमारे जो राजेश बाबू हैं मोबाइल एक्सपर्ट, वो हमें इसके विषय में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि वो आज हमें कुछ क्या नया बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे राजेश जी के पास, तो आज ये बताने वाले हैं किस तरीके की जानकारी, तो चलिए इनसे पूछते हैं। तो सर किस तरीके की जानकारी देंगे आज हमें आप? सर आज फिर हम आपके सामने वही ट्रिक लेके आए हैं, आज फिर एक मोबाइल अनलॉक किया जाएगा जिसमें आपका पैटर्न लॉक वगैरह वगैरह कुछ भी लग जाता है, उसको आप बिना लैपटॉप बिना कंप्यूटर बिना किसी टूल से उसको अनलॉक करके आपको दिखाएंगे। किस तरीके से अनलॉक करेंगे आप उसे? सर ये पैटर्न लॉक जो जिसमें लग जाता है, पैटर्न लॉक लगाते हुए कुछ भी नहीं खुलता है इसको पूरा। कहने का मतलब है अगर आपका मोबाइल का आप पैटर्न बोल गए हैं या कुछ आपको याद नहीं रहा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या बार बार आपने गलत पैटर्न डाल दिया जिससे मोबाइल आपका लॉक हो गया है, तो वहाँ पर ये ट्रिक काम करेंगे ना? हाँ, किसी दुकानदार के पास कोई बंदा अगर जाता है तो लगभग कितने पैसे ले लेता है? लगभग 300 से 500 रुपया खर्चा आता है और उससे घंटा आधे घंटे का समय भी लगता है उसमें। अच्छा, तो 300 से 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है एक मामूली आदमी के लिए। तो उससे बचने के लिए राजेश जी आज हमें उसकी छोटी सी वो बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या करते हैं मोबाइल के साथ छेड़खानी। अगर आपके मोबाइल में पैटर्न लॉक संबंधी ये समस्या आ रही है, अपन ट्राई करते हैं और सेकेंड चलने लगते हैं, वो सेकेंड चालू हो गए हैं। इस समस्या से अगर आपको छुटकारा पाना है या इसको सही करना है या आप पैटर्न लॉक भूल गए हैं तो पावर ऑफ वाले बटन। कौन से तीन बटन सर? ये सर बताइए थोड़ा व्यवस्थित तरीके। पावर की प्लस वॉल्यूम प्लस वाला बटन। हाँ, एक तो पावर बंद चालू करने का और जी, वो जी, है ना, एक वॉल्यूम बढ़ाने वाला, दोनों बटन को दबा के रखना है जब तक कि मोबाइल अपना रिस्टार्ट ना हो जाए। बंद होकर ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा? ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। ठीक, बंद हो चुका है। ठीक है, और चालू होने के बाद पावर की को छोड़ देना है और ऊपर वाले को पकड़ के रखना है। अच्छा, एक छोड़ना है, पकड़ रखना है। ठीक है, अभी चालू हो गया मोबाइल। हाँ, अभी कुछ करना है हमें? हाँ जी, इस तरफ से लोगो आ जाएगा सर, तो जब तक कुछ लैड लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तब तक तो आपको होल्ड करके रखना है और अप वाले दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे सिस्टम लिखे हुए आ जाएंगे। इसमें अपने को सिंपली फैक्ट्री डाटा वाला सिस्टम जो नजर आ रहा है, फैक्ट्री डाटा रिसेट, ये इसके ऊपर आके और पावर की वाला बटन दबाना है। पावर की जी। तो और अब नीचे आना है फैक्ट्री डाटा रिसेट, इसमें लिखा हुआ है कैंसिल और फैक्ट्री डाटा रिसेट। तो फैक्ट्री डाटा रिसेट पे आना है अपने को। ठीक है, और फिर से पावर की को दबा देना है। यानी कि पावर की यहाँ पे ओके का काम कर रहा है। अब अपना डाटा रिसेट हो चुका है और रोबोट करना है अपने को, रोबोट सिस्टम नाउ पे जाना है। ठीक है, फिर से अपना मोबाइल चालू बंद होगा और अपना पैटर्न लॉक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा मोबाइल के अंदर? इस सर मोबाइल में जो कुछ खराब वायरस वगैरह कुछ भी चीज़ होती है, अपना पैटर्न लॉक, अपना मोबाइल लॉक हो चुका है, अकाउंट वगैरह सारी चीज़ क्लोज हो चुकी है, वो सबसे रीओपन हो जाएगी। डेटा इसमें सब चला जाएगा? जी सर, इसमें डेटा जा सकता है, जा सकता है, 50% डेटा जाता है, बाकी कई बार डेटा बच भी जाता है इसमें। अच्छा, तो मोबाइल आपका स्टार्ट हो गया है? जी सर। लगभग कितनी देर में आपका मोबाइल स्टार्ट होगा ये? सर इसमें लगभग 30 सेकंड का समय लगता है मिनिमम 30, अधिकतम 60 सेकंड, एक मिनट लगभग। यस, देखिए दोस्तों आपका मोबाइल फिर से न्यू ब्रांड कंडीशन में वापस आ चुका है। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, प्रोसेस फॉलो करिए और इसको स्किप ना करिए। स्किप, कंटिन्यू, नेक्स्ट, कंटिन्यू, नेक्स्ट। तो सर इसमें मोबाइल के साथ हुआ है क्या एक्चुअली में, आप हमें वो बताएं। सर इसमें पैटर्न लॉक लग चुका था जिसको अपन ने रिमूव किया है, इसमें आपका मेमोरी का डाटा नहीं जाएगा, बाकी जो फ़ोन के अंदर इंस्टॉलेज सारा डाटा जा चुका है। अच्छा, मतलब मोबाइल के अंदर सारा स्टोरेज डाटा चला गया, फोन एप्लीकेशन वगैरह सब सारी, इसमें सारा वही एप्लीकेशन आएंगे और रहेंगे अब जो कंपनी से इंस्टॉल होकर आए थे। अच्छा, अब विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है, यहाँ पर जब पैटर्न लॉक मांगता है तो आपको यहाँ पर स्किप करना है, स्किप, फिनिश,
नॉर्मल सेटिंग जो हर मोबाइल के अंदर कंपनी स्टार्टिंग के टाइम पे दी जाती है, बस वही आपको करनी है ना। फिर से आपका मोबाइल ऑन हो चुका है। तो देखा दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक जिसे आप घर बैठ कर सकते हैं, और आपका मोबाइल जो लॉक हो चुका था जिसका पैटर्न आप भूल चुके थे उसे वापस एक छोटी सी ट्रिक से वापस से रिकवर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे इसी तरीके से हमारे चैनल को अप्रिशिएट करिए और हमें सपोर्ट करिए।